नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स। एक नजर आज की अहम खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता, नेपाल रहा केंद्र। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के हंगामे के बीच फिर टला मेयर चुनाव, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा, कहा मुझे जेल भेजना चाहती थी उद्धव सरकार, पुलिस कमिश्नर को दी थी जिम्मेदारी। कर्नाटक का सीमा विवाद बना, नाग की लड़ाई, कानूनी टीम को 60 लाख रुपए प्रतिदिन देगी कर्नाटक सरकार। केंद्रीय मंत्रियों ने टेस्ट किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, IIT मद्रास ने किया विकसित। उत्तराखंड में भी काफी झटकी, खतरे में पड़ी जोशीमठ की जमीन तक महसूस हुए झटके। 9वीं वंदे भारत ट्रेन से धार्मिक स्थलों का सफर होगा आसान, दक्षिण भारत में जल्द होगी शुरू। भारत को सीरीज में मिली लगातार दूसरी जीत, स्मृति मंधाना हरमनप्रीत ने खेली तूफानी पारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत मुंबई की अदालत में हुए पेश, अगली सुनवाई 27 फरवरी को। DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, पेरिस दिल्ली फ्लाइट की घटना को लेकर की कार्रवाई। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस पेज को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।